होशंगाबाद में सालाना उर्स के चलते कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर स्थानीय नागरिकों ने रोष जताया। ज्वाला धोटे की उपस्थिति में ट्रस्टियों के खिलाफ अभद्रतापूर्ण नारेबाजी की गई थी और मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा। गुरुवार को पत्र परिषद में ताजाबाद के स्थानीय नागरिकों ने कहा कि बाहरी लोग व कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रस्ट के खिलाफ नागरिकों को गुमराह कर विरोध का माहौल बनाया है। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि ताजाबाद में 500 बेड का अस्पताल बनने की खबर से लोगों को लगा कि उनका मकान टूटेगा। लोगों में नाराजगी थी। इसी बीच दर्शन के लिए आई ज्वाला धोटे को नागरिकों ने अपनी आपबीती सुनाई। ट्रस्ट के खिलाफ मन बनाकर बैठे कुछ असामाजिक तत्वों ने इस बीच नागरिकों को गुमराह किया और ताजाबाद में विरोध का माहौल खड़ा कर दिया। इससे परिसर में तनाव बढ़ गया। इसी कारण दस्ते की कार्रवाई को लेकर विरोध होने लगा। लेकिन दूसरे ही दिन ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान ने स्पष्ट किया कि किसी का भी मकान नहीं तोड़ा जा रहा है। मैटर सर ये है, मेरा नाम अब्दुल महफूज अब्दुल वाहिद है। मैं ताजबाग में ही रहता हूँ और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं सभी मेरे परिचित हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई भाई है, कोई बंधु है। मामला ये हुआ कि 9 तारीख का दिन था, 9 मुहर्रम का, 10 मुहर्रम का रैली का कोई मामला नहीं था। ज्वाला धोटे जी वहाँ पर आए थे, वहाँ पर एक अनऑर्गेनाइज ऐसी बातें मतलब चली लड़कों से, नौजवान लोगों से, और फिर कुछ मुद्दे उठाए गए जिसके तहत लड़के जो थे थोड़े एग्रेसिव हो गए और उनके साथ हो लिए और सब ट्रस्ट ऑफिस पहुँचे और जाने अनजाने वहाँ पर सब ने जो है अनऑर्गेनाइज्ड एक अनऑफिशियल रैली लेके गए, जिसके वजह से वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व, कुछ बाहर के आए हुए लोग जो थे उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर कुछ अभद्र टाइप के नारे लगाए जिससे प्रशासन को और ट्रस्ट को और कुछ ताजबाग के लोगों को तकलीफ हो गई। अब मामला ये बना कि ताजबाग जो है वो एक हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड संस्था है उसके अंडरटेकिंग में आती है और जितनी 84 एकड़ लैंड है वो बाबा साहब की मिल्कियत में आती है। तो उसके ऊपर में ट्रेस पासिंग का जो लॉ है कि जितने भी राइट्स है आने के, जाने के, रुकने के, बैठने के, वो रिजर्व्ड है हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के पास। तो उसके तहत में जब प्रशासन के खिलाफ में कुछ गलत नारेबाजी की गई तो वहाँ पर प्रशासन ने ही खुद एक कंप्लेंट दर्ज की जिसके अंदर में ज्वाला धोटे, रूबीना पटेल और अन्य 90 लोगों का नाम करके FIR की गई, जिसमें 5 कलम लगाई गई जिसमें राइट की भी कलम थी। अब मामला ये बना कि जब वीडियो एविडेंस जो वहाँ पर मौजूद थे, जो पुलिस ने वीडियो हैंडीकैम से निकाले, तो उसके अंदर में जैसा लोग डिटेक्ट होते रहे आधार पर उसके, तो जैसा एक मिला, दो मिला, ऐसा करके कल 20 स्टूडेंट्स को उठाया गया। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी थे, कुछ अननोन लोग भी थे। तो मामला ये बना कि जब पुलिस से रिक्वेस्ट की कि ऐसी ऐसी बात है और ये स्टूडेंट्स हैं और इनके फ्यूचर का सवाल है, इसके अंदर में कुछ प्रोफेशनल जॉब वर्कर है तो आप उनके लिए कुछ कीजिए, क्योंकि ऑब्वियस है 90 लोगों का नाम है तो पूरे 90 तो गुनाहगार हो नहीं सकते, उसमें 20 तो मासूम होंगे। तो उन मासूमों के लिए हम लोग वहाँ पर प्लीड करने गए उनको कि आप इनके लिए कुछ करें कि ये बच जाए, इनका नुकसान ना हो। तो वो उनका कहना ये आया कि ये प्रशासनिक कार्रवाई है जो प्रशासन ने दर्ज की है। बताया आपको कि हमारे जो उस दिन जो रैली की शक्ल जो बन गई थी उसकी वजह से हमारे कुछ लड़कों को मतलब उठा लिया गया था, जो अरेस्ट कर लिया गया था। तो हमने बहुत कोशिश करे, उसके बाद में जब हमको नहीं समझ में आया तो हम प्यारे खान साहब के पास गए और उनको कहा कि हमारे नौजवान बच्चे हैं, कुछ बहुत स्टूडेंट है उसमें, 12 साल 15 साल 21 साल के जो बच्चे हैं उनको हम, आप थोड़ा सा हमारी हेल्प करो। पहले तो उन्होंने नहीं किया कि भाई मेरे खिलाफ़ या करे या पुलिस के खिलाफ उन्होंने ऐसा ऐसा करे। मैंने बताया उनको कि वो जो लोग थे वो हमारे अपने बस्ती के नहीं थे, तो कुछ बाहर के भी लोग थे करके, उसमें करने वाले दूसरे लोग थे मतलब बाहर के जो थे। अब उसमें समझ में नहीं आ रहा कौन थे क्या थे। तो प्यारे भाई ने फिर भी ये नज़रअंदाज करते हुए हमारी बात को माना और उन बच्चों को पुलिस के बोले कि रैली निकालने का कोई मकसद नहीं था। होती असल में उस दिन जो मैडम आई, वो मैडम आई थी दर्शन के लिए, बाबा जान के दर्शन के लिए आई। दर्शन पे आने के बाद में उनकी लड़की, उनकी मुलाकात कुछ बच्चों से हुई। वो बच्चों से मिलते मिलते वो एक उस दिन मजमे का दिन भी था, भीड़ बहुत थी उस दिन, त्यौहार का परचम कुछ आई थी, परचम के दिन मजमा बहुत रहता था, मुहर्रम की 10 तारीख थी। उसकी वजह से कहा था मजमा जमते गया तो एक रैली की शक्ल जरा तैयार हो गया था। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक फांसी की रिपोर्ट।